कंटेंट, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग FCI का जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स का पेपर है प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 क्वेश्चन को हम लोग चार पार्ट में करेंगे। एक वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे और चाहे क्योंकि ज़्यादा एक वीडियो बड़ा कर देने से आप भी बोरे हो जाएंगे और पूरा देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसको पार्ट वाइज करके देख लो। उसका प्लेलिस्ट बना देंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। ऐसे अपडेट्स के लिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो फिलहाल में पेपर हुआ था FCI का, उसी का है क्वेश्चंस। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस इसमें था, ये रहा द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट्स एलिमेंट्स ऑफ द 0.15 इफ़ द बेस KVA एंड बेस MVA आर हाफ देन द न्यू वैल्यू ऑफ द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट्स एलिमेंट विल बी। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पिडेंस जेड न्यू जो होता है, जेड न्यू इज इक्वल टू जेड ओल्ड इन टू MVA एम से आप याद रखेगा, याद नहीं होता तो MVA न्यू बटा MVA ओल्ड इन टू KVA ओल्ड बटा KVA न्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला तो समझ गए, तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो कितना दिया है जेड ओल्ड, कितना दिया है हमारे पास, जेड ओल्ड है 0.15 इन टू MVA, न्यू MVA कितना है हाफ है और ओल्ड MVA वन है, तो वन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर KVA ओल्ड KVA वन है और न्यू KVA वन बाई टू का टोटल का स्क्वायर, जब इसको करें इन टू, ये मेरे पास रहा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये टू जब होगा तो टू तो ऊपर चला जाएगा, दो दो नहीं चार हो जाएगा, तो एक दो से एक दो कट जाएगा, दो बच गया, बचा ना। तो जब दो बच गया तो 0.15 इन टू टू बाई कितना 100, तो दो से ये करेंगे तो कितना मत मजा 50 और 5 से, तो 15 और 5 से 50, तो 3/10 तो 0.3 होगा, तो 0.3 इसका 3 आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे हम उम्मीद है। चलिए हम नेक्स्ट देख ले हैं। और महोर रिले इज यूज टू प्रोटेक्शन, महोर रिले हम क्यों यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को, और इम्पिडेंस रिले जो होता है उस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को, ये याद रखिएगा। इन कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर यूज फॉर, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर किस लिए यूज़ करते हैं, जो डस्ट होता है ना उसको हम लोग कलेक्ट करने के लिए और इसको क्या करते हैं मतलब स्कैप का हटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए टू कलेक्ट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द फ्लू गैसेज, तो इसका डी हो जाएगा 4, मतलब यानी 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंट पाई मॉडल ऑफ अ क्विट सुटेबल फॉर द एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जो पाई मॉडल होता है मीडियम रेंज के लिए, और मीडियम रेंज कितना है 50 से 250 मीटर, अर्थात इसमें सारा एग्जस्ट करता है 250 किलोमीटर सॉरी, तो इसका एप्स ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 5, फॉर रिड्यूसिंग टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इन अ बेटर टू एम्प्लॉय, जो रिड्यूस करने के लिए टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या हमें ग्राउंडिंग करते हैं, ग्राउंडिंग रॉड एंड काउंटर पॉइजेज, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर, द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सुपर पोजिशन इंसुलेशन इज ड्यू टू, द नॉन यूनिफॉर्म होता है हमारे पास टावर होता है और इंसुलेटर लगा होता है इसमें, तो एक और कैपेसिटर बन जाता है यहाँ, तो जैसे हमको वोल्टेज हाफ होना चाहिए टोटल वोल्टेज, यहाँ भी हाफ होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो मेटलिक होता है बॉडी और पोल के साथ एक कैपेसिटेंस बना जाता है, तो एग्जिट इसका क्या होता है एग्जिट ऑफ स्ट्रे कैपेसिटर्स बिटवीन द मेटलिक जंक्शन एंड यूनिट ऑफ द टावर, आंसर किस में है तो 2 नंबर में है, तो इसका 2 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द पोस्ट एक्सेलरेशन कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब में हमको ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं कि ब्राइटनेस अच्छा हो, लेकिन उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोस्ट एक्सेलरेशन, तो इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द ट्रैक ऑफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन हायर देन 100, याद रखिएगा हायर फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी पर नहीं, 4 नंबर आप पढ़िए ट्रैक लो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है हायर फ्रीक्वेंसी होता है, इसका 2 हो जाएगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं हम लोग तो जल्दी में पढ़ लेते हैं, उसको गलत ठीक कर लेते हैं, इसलिए केयरफुली पढ़ें। स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ड्रा द करंट ऑफ 1 mA फुल स्केल वैल्यू ऑफ द 100 वोल्ट इफ ड्रा द करंट ऑफ 0.5 तो द मीटर रीडिंग, जब करंट हाफ हो गया तो वोल्टेज भी हाफ हो जाता है तो 50 वोल्ट, इसका बी 2 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, इन थेवेनिन्स थ्योरम टू अ जेड फाइंड, जब जेड फाइंड हो तो क्या करते हैं हम लोग, अर्थात RTH ये हटा मतलब हमको RTH फाइंड करना, RTH के क्या करते हैं हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या सोर्स कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, तो ऑल द इम्पिडेंस वोल्टेज सोर्स और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस करंट सोर्स और ओपन सर्किट ए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इन द सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क, जो सिंगल फेज होता है पावर फैक्टर उसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डी, अ DC कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इनिशियल वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट विद आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ इतना इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी बेटर दैन 99%,
तो 99% बेटर करना था अर्थात, इससे जो दिया है 100 के किलो ओम, इससे ज़्यादा हमको होना चाहिए रेजिस्टेंस, इससे ज़्यादा अर्थात 10 मिली, इसका एक हो जाएगा 2 मीटर, एक्स एंड वाई रिक्वायर 40 mA एंड 50 mA रिप्रेजेंटेड टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन अर्थात सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय फुल स्केल्स डिफ्लेक्स, फुल स्केल करंट, अर्थात जिसका करंट ज़्यादा होगा, अगर करंट ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी कम हो गया, करंट तो करंट कम है 40 से कम है तो इसका सेंसिटिविटी, तो एक्स की सेंसिटिविटी, एक्स इज मोर सेंसिटिविटी अर्थात एक्स बी हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें? फुल स्केल डिफ्लेक्शन देन मीटर एक्स वाई, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देन एक्स इज मोर सेंसिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका करंट कम है। नेक्स्ट हम लोग द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज ऑफ कैपेसिटर के मेजर, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होता है इस चार्जिंग शेयरिंग ब्रिज मेथड जो होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं। मैक्सवेल से तो इम्पीडेंस होता है, एंडरसन से भी होता है वही, और हेज से भी, इस तीनों जो है इम्पीडेंस का है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेंसिटिविटी ऑफ द एलवीडीटी मेंसली ड्यू टू, एलवीडीटी किसके कारण, कैंटिलेशन ऑफ सेकेंडरी, क्योंकि एलवीडीटी हम लोग क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं एलमोनियम का, जिसको हम लोग क्या कर इधर उधर रैंडमली एग्जस्ट करते हैं जिसके कारण हम लोग इसको मेजर करते हैं, एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इसका 3। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन अप्लाइड टू लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम्स, इसका जो है लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम इसका 1 हो जाएगा। द स्टेपर मोटर हैज़ अ 6-phase वाइंडिंग ऑन द स्टार्टर एंड द 12 teeth ऑन रोटर, द स्टेपिंग एंगल, स्टेपिंग एंगल का फॉर्मूला होता है, स्टेपिंग एंगल जो हो जाता है रोटर टीथ माइनस फेज बटा 12 इंटू मल्टीप्लाई रोटर इंटू फेज इंटू 360, तो 6 बटा, यहाँ तो 6 आ जाएगा और 6 तो 6 से 6 ये कट जाएगा, तो यह बचा 12 और 12 से कटेंगे तो 30 डिग्री 17। अ डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू द सिंगल फेज एसी सप्लाई, द टॉर्क प्रोड्यूस, द टॉर्क प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग एंड ऑन यूनिडायरेक्शनल्स इसका 4। इन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस द डेवलपमेंट टॉर्क डिपेंड अपॉन द, जब इलेक्ट्रोकेमिकल से एनर्जी कन्वर्जन किसके किस पर टॉर्क डिपेंड करेगा, द टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टर फील्ड होता है ना, स्टार्टर फील्ड इंटू रोटर फील्ड इंटू टॉर्क एंगल, तो इसके इतना किस में 3 नंबर, तो इसका 3 हो जाएगा, 19। द स्टार्टिंग करंट ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर इज 5 times ऑफ द रेटेड करंट, तो विल द रेटेड स्लिप इज 4%, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड, आपको पता होना चाहिए क्या टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब हमको रेशियो नहीं इतना याद है, तो जब देखिए किसके टी स्टार्टिंग बटा टी रेटेड, स्टार्टिंग कितना दिया है मेरे पास, स्टार्टिंग जो दिया है 5 times दिया है ना, 5 times दिया है आई रेटेड का, आई रेटेड और यहाँ भी आई रेटेड, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो आई साइड जो कट जाएगा इंटू फुल लोड क्या होता है स्लिप, स्लिप तो स्लिप 4%, तो 4/100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, आई साइड कट जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौका 100, 4 से 4 तो 1 हो जाएगा 3। तो ये छोटी छोटी बातें जो था टॉक डाक पढ़ रहे उस पर सॉल्व हुआ। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर है जितना, तो द कॉपर लॉसेज एंड आयरन लॉसेज एट हाफ लोड विल बी रेस्पेक्टिवली, तो जब हम पता हो कॉपर लॉस निकालते हैं जब हाफ हुआ तो इसका तो हाफ तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर होता है पता है ना एम स्क्वायर, हम लोग निकालते हैं एम इंटू स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस, अगर जिस पर हमको कॉपर निकालना होगा फुल लोड पर निकालना है 1 का स्क्वायर, हाफ लोड पर तो 1/2, तो ये करेंगे तो 1/4 इंटू 6400 दिया है, तो 6400 तो 800 हो जाएगा, 6400 चार से करेंगे तो 1600, तो 1600 मेरे पास कॉपर लॉस हो जाएगा और 5000 आयरन लॉस तो चेंज नहीं होता, 1600 वाट्स इंटू 5000 इसका 3 हो जाएगा, याद रखिए आयरन लॉस कभी चेंज नहीं होता। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स गिव मोर एक्यूरेट रिजल्टिंग डिटरमाइनिंग फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, तो कौन है जो पोर्टियर ट्रेंगल्स मेथड मोर एक्यूरेट।